अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। ये देखें, ये मेरी तरफ जो है ना बड़े गौर से देख रहा है और ये मुझे कंफ्यूज कर देता है। वैसे मैं किसी से भी कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन इस बंदे से मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई ऊपर आ रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं कौन कौन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपकी कमी थी, आपके बिना तो दिल ही नहीं लग रहा था। बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। अच्छा माशाल्लाह कितनी रोशनी है। हाँ, अब तो सर्दियाँ हैं ना, सर्दियाँ इस वजह से ऐसे सर्दियों सर्दियों की रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ी बहुत ज़्यादा। आ जाएं भरत, बैठ जाएं आप भी चार बजे। अच्छा जी, रामिन हारिस आ चुके हैं स्कूल से वापस। और अच्छा बच्चों, हारिस के साथ तो आज दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो इससे बाद में पूछेंगे, रामिन से पहले इंटरव्यू थोड़ा। रामिन कैसा गुजरा आपका स्कूल में दिन? चिन मैंने चना चाट खाई थी और सैंडविच और चिप्स। वाओ, मतलब कि खूब मजे किए है ना। और अच्छा चले ठीक है। और हारिस आपके साथ क्या बना? वो मुझे पैसे भी दिए थे। हाँ जी, मुझे बस चना चाट मिला। अच्छा, दोनों को जी सेम सेम पैसे दिए थे। रामिन ने इतनी सारी चीज़ें भी खाई और 60 रुपीज़ वापस भी ले गई। हार हाँ जी, मतलब इन दोनों को मैंने 100 रुपीज़ दिए थे, 100 रुपीज़, 100 इसको 100 उसको, तो ये 60 रुपये वापस भी लेके आई। चीज़ भी इसने खूब कहते खाई। और हारिस जनाब ने, इधर तो देखो बेटा, हारिस ने सिर्फ चने चाट थोड़े से खाए और बाकी बेचारे को पैसे भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। हारिस को अभी पैसों का पता ही नहीं चलता, हारिस को समझ ही नहीं आती। जब भी हारिस को पैसे देते हैं, जब भी देते हैं उसको 100 ही देते हैं, और जब देते हैं ना वो ये चीज़ कोई थोड़ी सी खाता है और कहता है मुझसे खाई नहीं जाती है, थोड़ी सी बच्चे शेचों को उधर बांट देता है और बाकी पैसे कहता है मुझे पता नहीं किधर चले जाते हैं, गुम कर देता है। किधर चले जाते हैं हारिस? रामीर वो थोड़ी समझदार है, इससे बड़ी है ना, उसको थोड़ा पता चलता है पैसों का। इतना ज्यादा भी रामीर कभी नहीं चलता। हाँ, तो अभी बिजली गई हुई है, हम ऊपर आके सनलाइट में हमने वीडियोस वगैरह बनाई हैं जी, तो नीचे तो हमारे फुल अंधेरा, क्योंकि हमने ना हर तरफ से अपना घर कर दिया है बंद कर दिया है, कि हमने कहा कि इस दफा बच्चों को सर्दी नहीं लगने देनी। हाँ, वैसे धूप में इधर आके बैठा करेंगे जी। हाँ, इंशाल्लाह ऊपर तो जरूर आएंगे, और ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप हुआ करेगी। अभी तो वैसे इतनी सर्दी नहीं है कि हम धूप में बैठे हैं, बस नॉर्मल, बड़ा जबरदस्त प्यारा मौसम है। हाँ जी, तो जब शदीद सर्दी होगी तो इधर धूप में बैठने का मजा ही बहुत आना है, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, मैं एक बंदा है वो ना कैमरे की तरफ बड़े गौर से देखता है, मैंने कहा इसको ले ही आऊं कैमरे में सही तरह से। जामिन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये शरारती, इसको देखिए फेस ही शरारतियों वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सारे आपको, पूरी दुनिया देख रही, कुछ कहना चाहते हो पूरी दुनिया को आप कैमरे में देख के को? ये दुनिया नहीं, नहीं इधर कैमरे में है पूरी दुनिया। दुनिया दुनिया दिखा, ये दुनिया आपकी, दुनिया आपकी मम्मा है। हारिस इतना ओबीडियंट है कि आपने सुबह इसको कहा कि प्रॉमिस करो कि आपने खेलना नहीं, असल में अगर ये खेल शरारते करता है तो इसलिए स्पेशली इसको ना, मतलब इसको मना किया था कि आपने खेलना नहीं, अपनी चेयर पे ही बैठे रहना, क्योंकि अगर इसको चोट लग जाना, अगर खुदा ना खास्ता ये ना बिल्कुल सांस वापस बाहर करना मुश्किल हो जाता, तो इसको बड़ी मुश्किल है। इसको इसके पापा ने अच्छी तरह गाइड करके और इसे प्रॉमिस करके भेजा, और माशाल्लाह इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और वहाँ पे इसने बिल्कुल अपनी चेयर पे बैठा रहा और इधर उधर नहीं गया। एक बच्ची इसको लेके जा रही थी ऊपर के रामीन के पास, रामीन ऊपर थी के मेरे ऊपर जाके रोने लग गया, इसको याद है कि मैंने तो अपने पापा के साथ प्रॉमिस किया था कि मैंने तो ऊपर जाना ही नहीं है बेचारा रोता हुआ। जब मैं इसको स्कूल से लेने गया ना, कहता पापा मैं ना उधर चेयर पे बैठा रहा एक जगह पे। अच्छा। और कहता पापा मैंने खेलना भी तो था ना, मैंने कहा फिर? कहता मैं खेला ही नहीं। मैंने कहा वाह, हारिस आप खेल जरूर लिया करो, लेकिन ना भागने वाली शरारतें, जंपिंग वगैरह ज्यादा, जैसे वो जामिन अब कर रहा है वो देखो, इस तरह नहीं करता। इसलिए इसका ट्रस्ट भी नहीं है ना, कि जब हमारी नजरों से ओझला तो हम नहीं कहते हैं ना ही खेले, खेलना था वो हमारे सामने ही खेला करो। अच्छा महंगो महंगो खेल रही थी, मेकअप अभी तक नहीं उतरा। क्या
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चाय हमारी आ चुकी है और ये है बिस्किट साथ में। ये वाले बिस्किट चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। वाह ग्रेट। और जब भी मैं चाय लेके आती हूँ आदमी कहते हैं पहले मेरे मोबाइल को चार्ज कर दो, पहले मोबाइल चार्ज होना चाहिए फिर। और हमारे चार्जर भी सांझे हैं जी, एक ही चार्जर दोनों इस्तेमाल करते हैं यार। अभी मेरा चार्ज नहीं हुआ तो आज तो फिर काम बहुत ज्यादा है ना। आज लाइट बहुत तंग कर रही है, शुक्र है अभी आ गई, अभी लाइट चली गई थी, बार बार जा रही है, जब जाती है तो फिर बहुत ही ज्यादा जाती है। आज पता नहीं क्यों जा रही है, वैसे तो जाती है, वैसे नहीं जाती। काका देखे हमारा सो गया, अब हम स्कूल से बैठ के चाय पीते हैं, नहीं तो काफी मुझे चाय नहीं पीने देता, रोता रहता, कहता पहले मुझे गोदी में बिठा दो। आपने खा लिया, देखे इन्होंने अपने सारी चीजें खा ली है, हमारी चीजें थी, फिर आ गए दे दो, हम फिर भी सुकून से नहीं खाने देते। पापा कहा था, नहीं कहा बेटा, वो ब्लॉग में कहा था, वो कल कहा था, आज नहीं कहा, वो आज नहीं कहा था। गाइस हमने अल्लाह हाफिज कहा, कोई रामिन कह रही है आपने पहले अल्लाह हाफिज ब्लॉग में कहा, हमने नहीं कहा। तो गाइज अभी ना तकरीबन रात हो चुकी है और तबीयत जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, क्योंकि कल रात हम सोए नहीं है ना फिर, तो इस वजह से ना अभी चक्कर आ रहे हैं, अभी दिल का बिस्किट खा रहे थे, अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, नहीं कहा था। अच्छा वो ब्लॉग में पता लग जाएगा। अच्छा तो गाइज उसके बाद फिर अभी जो है ना अभी चक्कर आ रहे हैं हमें, तो अभी घंटा दो घंटा सोते हैं फिर उठेंगे रात में, तो इंशाल्लाह जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।